चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार और सभी को पनीर वाली शुभकामनाएं। पनीर वाली शुभकामनाएं, बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअल में क्या होता है कि देश पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल कुछ पनीर की एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती है और इसमें भारत को फोर्थ रैंक मिला है दोस्तों, और यही टाइटल आज द इंडियन एक्सप्रेस में दोस्तों पब्लिश हुआ है। अब हमारा जो टारगेट है दोस्तों, पनीर तो नहीं है, हमारा टारगेट पनीर खाना है और उसके लिए एक अच्छी जॉब लेना है, और जॉब लेने के लिए इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना जरूरी है, और इन एग्जाम्स में इंग्लिश आती है दोस्तों। सो दोस्तों, पनीर की शुभकामनाएं अच्छी लगेंगी अगर इंग्लिश की शुभकामनाएं भी अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और कहीं मत जाइए, कुछ एरर्स, कुछ कॉम्प्रिहेंशन, कुछ क्लोज टेस्ट, कुछ पैराजम्बल्स, वही जो एक कंसेप्ट है हमारा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, हम एडिटोरियल के साथ साथ आपको एक इंग्लिश का लाइव टेस्ट रखते हैं दोस्तों, और आज के एडिटोरियल से उसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप जुड़े रहेंगे और आज अपना स्कोर भी चेक करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो ये दोस्तों आज हमारा टाइटल जो न्यूज़पेपर में आया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं आज। वो कहता है वेल द वर्ल्ड लव्स एन इंडियन चीज, मतलब जब संसार जो है भारत के चीज को, पनीर को पसंद करता है। अब इस पे एक्सप्रेस ने अपना क्या व्यू दिया उसको देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्रेस ने अपना व्यू दिया है कि भारत का जो चीज है रिकॉग्नाइज्ड ऑन ए प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्लेटफॉर्म, और यही मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसको आज मान्यता मिली है। और भारत जो है, ये अपना एक्सप्रेस जो हमारे इंडियन एक्सप्रेस है उसने अपने एक तरह से व्यू दिया है, कहता है कि कंट्री अब फाइनली जो चीज मेकिंग कल्चर है, मतलब चीज मेकिंग कल्चर जैसे पूरे वर्ल्ड में कहीं चलता है, पूरे अलग अलग देशों में चलता है, तो वहां पर भारत भी अब अपना एक स्थान रख सकता है, और यही बताने की कोशिश करेगी ये दोस्तों आज हमारे टाइटल में। एक्चुअली अगर हम बात करें भारत के अंदर, जैसे और भी कई कल्चर चलते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं कि काइट फ्लाइंग एक कल्चर चलता है, हमारे यहाँ पर जो गंगा आरती का एक कल्चर चलता है, इस तरह से देश भी, हर देश किसी न किसी कल्चर के लिए फेमस होता है दोस्तों। तो कई देश है जो चीज मेकिंग में फेमस है दोस्तों। तो अब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि भारत भी चीज मेकिंग कल्चर में अपना स्थान रख सकता है दोस्तों। चले, तो ये था आज का हमारा टाइटल दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम एक काम करते हैं कि आज हम कुछ छोटे छोटे जो पनीर के नाम है दोस्तों, वैसे तो अब आप कहेंगे सर पनीर तो पनीर ही होता है, नहीं दोस्तों, कुछ पनीर के नाम भी हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं जो इजी हो जाएगा। अच्छा, जो आप अमूल का पनीर खाते हैं वो दोस्तों इस कैटेगरी में आता है, चेडर, जिसमें 7 ग्राम पर आउंस, आउंस जो होता है दोस्तों वो 28 ग्राम के बराबर होता है, 28 ग्राम के बराबर होता है दोस्तों एक आउंस चेडर। और इसके बाद दूसरा जो आता है दोस्तों, वो आता है स्विस पनीर। अब मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज क्लास पनीर की नहीं है दोस्तों, और परमिशन, और हो सकता है मेरी परमिशन उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ना हो, लाइक दिस ब्रे, ब्लू चीज। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आई होप कि ये थोड़ा सा आपकी एक नॉलेज को एनहेंस करेगा दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों, अच्छा ये आपने जरूर सुना होगा, बहुत फेमस भी है, सुना भी होगा और खाया भी होगा कई बार, मोज़रेला फेटा। अब आप इनकी डिटेल आपसे देख लेना दोस्तों, गाउडा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा सेशन लेंथी हो जाए, प्रोवोलोन और मॉन्ट्रेरी जैक दोस्तों, इनके आगे थोड़ी थोड़ी मैंने बेसिक डिटेल्स मैंशन कर दी है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप ये थोड़ा सा तो आइडिया आपको मिल ही गया होगा। चलिए, बस यही आपके लिए था कि कुछ मैंने 10 जो पॉपुलर जो हमारे चीज है, मैंने उनको डिटेल में डिस्कस कर लिया आपके साथ, और इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि पनीर क्या होता है दोस्तों। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं जो आज हमारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है दोस्तों, उसको देखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि एक वो समय भी था जब जो सारे इंडियंस होते थे वो सिर्फ चीज को कैसे जानते थे, वो जानते थे भाई एक क्यूब है, दैट ए क्यूब ऑफ इट,
क्यों, मतलब आप समझ रहे, छोटा जैसे आइस का जो एक टुकड़ा होता है स्टक ऑन ए टूथपिक, जो एक टूथपिक जिसे हम छोटे से स्टिक होती है उसके ऊपर वो अटका हुआ होता है विद ए पीस ऑफ पाइन एप्पल, और उसी पे पाइन एप्पल और चेरी भी होती है। हम सिर्फ इंडियन जो मतलब पहले कल्चर की बात करें तो हम लोग यही समझते थे। चल, और मेड फॉर ए पार्टी स्नैक, और इसे बनाया जाता था दोस्तों किसके लिए, पार्टी स्नैक के लिए। आज भी आप किसी पार्टी में जाते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर स्नैक्स में यही आइटम सबसे पहले आपको सर्व की जाती दोस्तों, और दैट ग्रेटेड ओवर वेजिटेबल्स, और इसको कद्दूकस किया जाता है। कद्दूकस समझते हैं ना, वो छोटा सा एक डिवाइस होती है उस पर हम उसको रगड़ते हैं और एक छोटे छोटे स्लाइसेस निकलते हैं, उसको कद्दूकस बोलते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में। दैट ग्रेटेड ओवर वेजिटेबल्स एंड पोप्ड इन टू द ओवन, और फिर उसे हम ओवन में रख देते हैं टिल इट वॉज गोल्डन, जब तक वो सुनहरा नहीं हो जाता। और इट वाज एन इफेक्टिव इंड्यूसमेंट। अब इसमें एक जो वर्ड है इंड्यूसमेंट, उसको समझते हैं दोस्तों। इंड्यूसमेंट जो है मतलब एक तरह से किसी को प्रलोभन देना, लालच देना, फॉर फसी यंग बॉय, यंग ईटर्स, मतलब वो जो कुछ यंग ईटर्स जो होते हैं खाने में थोड़ा सा नखरे करते हैं, देयर फॉर डिफिकल्ट टू प्लीज, इनको मतलब संतुष्ट करना मुश्किल होता है, टू कंज्यूम सम फाइबर, भाई फाइबर भी खाया करो, इस तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता था पनीर खाने के लिए, और उसको ओवन में डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर दिया जाता था ताकि उनको कुछ ये ना लगे कि हम कुछ कुछ अलग खा रहे हैं, तो इस तरह का लालच भी दिया जाता था पनीर खिलाने के लिए। चले, और जो एक और वर्ड दिया गया पोप, इसकी सेकंड फॉर्म दी गई है पॉप इनटू, मतलब किसी चीज को जैसे हम किसी चीज में डालते हैं ना, इंसर्ट करते हैं, तो वही आप वर्ड समझ सकते हैं इंसर्ट, किस चीज में किसी के अंदर डालना, लेकिन तो स्पीड से डालना, टू पुट समथिंग क्विकली इन टू समथिंग एल्स। जैसे एक एग्जाम्पल ये है, पॉप द सीडी रोम इन टू अ पर्सनल कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा पहला स्टेंजा जो आज हमारे न्यूज़पेपर में छपा था, और मुझे उम्मीद है कि जो वो कैप थी वो क्लियर है, और इसमें कुछ ग्रामेटिकल अगर कंसर्न को देखा जाए तो बस एक ही है जो मुझे नजर आ रहा है दोस्तों, कि पॉप के साथ इन टू आएगा, ये याद रख लेना यार, ठीक है दोस्तों। एंड I don't find anything else where you could have problem. चले, move to the next one दोस्तों। और दोस्तों कहीं मत जाइए, बहुत सारे errors, बहुत सारे close tests, comprehension, paragraph, वही जो चार session होते हैं दोस्तों, उन सबको मैं use करता हूँ, और ताकि आपकी जो grammatical skills हैं वो भी improve हो सके दोस्तों, target वही रहता है। चलिए, पहले ही आ गया दोस्तों, आपके लिए error आ गया। चलिए दोस्तों, ये अभी जो अभी आपने पढ़ा ना उसी से error आ गया दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही जाएगा आंसर आपका। आपके पास 30 सेकंड है दोस्तों, चलिए 40 सेकंड्स, कोई बात नहीं, लेकिन करिए जरूर और अटेम्प्ट जरूर करिए, और इसका आपको जो भी आंसर आता है उसको जरूर कमेंट में लिखिए। मतलब अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, मीन्स ऑलरेडी हैव टेकन कोचिंग और स्टिल टेकिंग कोचिंग और डूइंग सेल्फ स्टडी एंड इंग्लिश इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, then I think you must know the answer and you should be able to find an error over here. That what we plan actually, कि हमारे सभी स्टूडेंट जो हैं वो इजिली अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स को इम्प्रूव करें। चलिए तो दोस्तों, बातें बातों में टाइम आपको ज़्यादा मिल गया मुझे लगता है। चलिए, कहीं कुछ एरर मिल गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दे गो फॉर ट्रिक, वो पीछे जाएंगे स्क्रीन को पॉज करेंगे एंड then find the right answer. I mean, being a teacher, I just request you don't do that and try to find out answer. चले चले दोस्तों, समझते हैं कि कहाँ आंसर मिला है। सो दोस्तों, अगर हम देखें इस सेंटेंस में, इस पैसेज को, तो ये हमें एक वॉज था, मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट पास्ट, यहाँ भी हमारा पास्ट था दोस्तों, शायद हिंट तो मिल ही गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया दोस्तों, मैंने ये छोटा सा एरर बना दिया, यही जो था आपका ये वॉज था दोस्तों। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, टेल इट वॉज गोल्डन। चलिए दोस्तों, यही था छोटा सा एरर, आई होप कि आपका स्कोर सही हुआ होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्क्रीन पर चलते हैं, और इसी तरह से हर पैसेज पे कुछ ना कुछ आता रहेगा दोस्तों, बस
पूरा सेशन अटेंड करिए, बीच में छोड़ के जाएंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। आपने एडिटोरियल को आज तक हो गया फिर सीखा दोस्तों। अगर आप स्पेशली यूपीएससी सीसेट बैंकिंग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इंग्लिश में 3-4 सेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और एरर्स। यही 4 अगर आप सीख जाते हैं ऑब्वियसली आपका एग्जाम क्लियर हो जाए दोस्तों। मेरा नाम दोस्तों योगेश कुमार है, मैं 15 सालों से मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर क्लासेस दे रहा हूँ ऑफलाइन। और अब मेरे को मौका मिला है आपके साथ जुड़ने का ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम आपके साथ मैं ऑनलाइन जुड़ रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैं वही प्लान कर रहा हूँ कि जिससे कम समय में स्टूडेंट जल्दी सीख पाए, और यही इस चैनल की स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे वो हमें क्या कहने की कोशिश करता है। कहता है जो हमारी पुरानी एनकाउंटर्स हुई चीज के साथ, मतलब ऐसे नहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, एनकाउंटर का मतलब जो हमारी हम देखा करते थे उसको, इंडियंस की बात कर रहा है, टू नाउ मतलब जो पुरानी जो हमारी मुलाकात थी, मैं उसको एनकाउंटर को प्रॉपर वर्ड तो मुठभेड़ ही होता है, जो हमारा उनके साथ सामना हुआ पनीर के साथ अब तक, जिसमें हमारा आप जो होम ग्रोन एल्फेथ्रिया चीज बर्नोस्ट, ये मैं शायद प्रोनाउंस ढंग से ना कर पाऊं क्योंकि ये एक नॉर्वे स्टाइल वे चीज है, वे समझते होंगे शायद आप, वे एक तरह से छाछ या लस्सी को कहते हैं दोस्तों, बटर मिल्क होता है ना उसमें थोड़ा सा जो गाढ़ापन होता है ना दोस्तों उसको वे कहते हैं। अब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि जो पुराने टाइम था जहां पर सिर्फ हम चीज समझते थे, और आज जो है जो हमारा जो चीज है वो नॉर्वे स्टाइल के, जिसको हमारा ये 4th रैंक मिला है, विनिंग 4th प्लेस जीतते हुए एट द वर्ल्ड चीज अवार्ड्स, यही मैंने आपको बताया ना, वर्ल्ड चीज अवार्ड था जो अभी हुआ था, उसमें इंडिया की एक कंपनी है जो मुंबई की बेस्ड कंपनी है उसको 4th रैंक मिला है दोस्तों, और उसी को आज इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया। और वो ये कहने की कोशिश करता है कि इंडिया का जो रिलेशन है, इसको थोड़ा सा पहले साफ कर देते हैं, इंडिया का जो रिलेशन है दोस्तों विद दिस डेयरी प्रोडक्ट हैज कम अ लॉन्ग वे। तो इंडिया ने जो एक पनीर के साथ जो एक डेयरी प्रोडक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है ये बहुत समय से देखा, मतलब बहुत लंबा सफर हम तय कर चुके हैं, क्लियर। जब हम वो शुरू में वो पनीर देखा करते थे और आज हम 4th रैंक पर आ गए हैं दोस्तों, तो यही उसने डिस्कस करने की कोशिश करी है दोस्तों। अब इस कंपनी को देख लेते हैं जो डिस्कस किया गया। मैं फिर कहूंगा आई एम वेरी अफ्रेड टू स्पीक आउट, इट मे बी पॉसिबल आई गो फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस एल्फेथ्रिया चीज बर्नास्ट। ओके, ये जो एक आर्टिसनल चीज है, मतलब इसको एक डायरेक्ट चीज नहीं है जो मार्केट से लेते हैं, ये वाला चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा इसमें आर्टिस्टिक कल्चर ऐड किया जाता है, कुछ इसमें मिक्स करके बनाया जाता है, जो एक बटर ब्रांड बेस्ड कंपनी है मुंबई के अंदर, उन्होंने इस कंपटीशन को जीता है, और ये ऐसा 2021 में भी कर चुके हैं, 22 में भी कर चुके हैं, और अब 2023 में भी कर रहे हैं दोस्तों, तो क्लैप है, और आप सबको पनीर मुबारक हो दोस्तों, यही कहूंगा अभी तो मैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ और फिर आएगा आपके लिए, शायद अभी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा शायद। चलिए अब वो यहां कहने की क्या कोशिश करता है, वो कहता है कि जनरल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन चीज इन ए कंट्री, वो कहता है जबकि एक ऐसा देश, मतलब भारत की बात कर रहा है, एक ऐसा देश जहां पर चीज के लिए एक जनरल कमी है, मतलब इंटरेस्ट जो है थोड़ा कम है, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है, मतलब डेयरी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन वो चीज के लिए जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है। मे हैव कंफाउंडेड, और ये कंफ्यूज कर चुका है टूरोफाइल्स को, टूरोफाइल्स समझ गया अभी नहीं समझे, अभी दीजिए मिल जाएगा मीनिंग, और बहुत सारे इंडिजीनियस मतलब जो हमारे स्वदेशी है, एक वर्ड इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, जबकि बहुत सारी हमारी स्वदेशी जो आइटम्स हैं बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो जो टूरोफाइल्स हैं, टूरोफाइल का मतलब वो इंसान जो पसंद करते हैं किसको, चीज को, जैसे आपने वर्ड सुना होगा बिब्लियोफाइल, जो पुस्तकों का प्रेमी होता है, और आप भी हैं मुझे मालूम है। चले, और कंफाउंड का मीनिंग यहाँ पर रख दिया मैंने, थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ है, हैरान, बेकार, घृणित, मतलब इंग्लिश में कहें सो परप्लेक्स्ड बाय मैनी कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन, मतलब पजल्ड बेसिकली कहें, आप पजल्ड कह सकते हैं, कंफाउंडेड में मुझे लगता है कि जो हमारा डी था वो इधर चला गया है,
मैं उसको यहाँ डी लिख देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये था, छोटे छोटे एरर हो जाते हैं दोस्तों टाइपिंग में, टाइम लगता है थोड़ा सा इसको बनाने। चलिए दोस्तों करते हैं आगे स्टार्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और सभी वोकैब भी क्लियर हो गई होगी, और इसमें जो वर्ड था वो भी डिस्कस कर रहे थे, बिविल्डरमेंट। यही भी पजलमेंट होती है, एक पजल होती है, जब आदमी बिविल्डर हो जाता है मतलब परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। चलिए मतलब आप कन्फाउंडेड को एक पजल्ड भी कह सकते हैं, बिविल्डर्ड भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। देखते हैं कुछ आपके लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं मुझे मालूम है कुछ टास्क का। अरे आ गया जी, जी आ गया। चलिए गो अहेड, मेक इट फास्ट गाइस। अच्छा अटेम्प्ट पूरा करिए, आंसर जरूर दीजिए। अभी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आपको उन्हीं वर्ड्स में शायद आंसर मिल जाएगा। अच्छा जब तक तो बात कर लेते हैं भाई, इंडिया भाई सेमीफाइनल में पहुंच गया है, सॉरी फाइनल में पहुंच गया, सेमीफाइनल तो ऑलरेडी हो गया, और उसके लिए आप सबको पनीर वाली शुभकामनाएं दोबारा से। चले लो दोस्तों, बस 10-15 सेकंड और मिलेंगे आपको, जल्दी जल्दी करिएगा। सिर्फ 2-3 लाइन है, छोटे छोटे 2.5 लाइन सर दे रहा हूँ। आई होप दिस टाइम अगर आपने प्रीवियस भी किया तो ये भी कर पाएंगे आप। और अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो देखिए आपने अभी पढ़ा और आप अभी नहीं कर पा रहे, इसी चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों आपको, कि क्या सचमुच में हम इंग्लिश सीख रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं, भाई यही समझना है। चलिए दोस्तों आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, चलें करें स्टार्ट। चलिए दोस्तों पहले इसको हटा देते हैं, ये गलती से लाइन लग गई या फिर। चलिए भाई उसने कहा इन आ कंट्री, आ कंट्री का मतलब एक कंट्री होगी दोस्तों, और एक कंट्री जो थी वो किस पे चली गई, वो दैट में चली गई। दैट हमारा क्या बन गया, रिलेटिव प्रनाउन दोस्तों, ये क्या बन गया हमारा रिलेटिव प्रनाउन। चलिए अब ये रिलेटिव प्रनाउन बन गया तो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो तो दोस्तों सिंगुलर ही आएंगे। अब वो सिंगुलर जो वैल्यू आई है दोस्तों तो इसका मतलब क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब क्या करना चाहिए, इसका मतलब इस प्रोड्यूस में हमें एस लगा देना चाहिए, और बीच में एंड है तो एक कंजंक्शन है, तो इसका मतलब हमें कंज्यूम में भी क्या करना चाहिए, हमें एक एस लगा देना चाहिए। तो यही एक छोटा सा एरर था दोस्तों, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो टाइटल था ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक है दोस्तों, आगे और भी मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन भी है और पैराग्राम भी है दोस्तों। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करें बिलीव करिए पेपर एक बार में पास होगा अगर आप कुछ दिन इन सेशन को अटेंड कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या है हमारे लिए आज। चलिए अरे ये आपके लिए तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी। तो दोस्तों ये पूरी वोकैब आ गई है कि जो जो वर्ड्स अभी हम पढ़ रहे थे ना, एक हमने एक पढ़ा था जो पसंद करते हैं पनीर को। चले तो ऐसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको बिब्लियोफाइल, अब देखते हैं बिब्लियोफाइल आपको क्लियर हो गया, जो लवर ऑफ बुक्स है, फिर सिनेफाइल जो सिनेमा पसंद करता है, फिर फ्रेंकोफाइल ये भी अच्छा वर्ड है जो फ्रेंच कल्चर को पसंद करता है, उसके बाद एंग्लोफाइल, सुना ना एंग्लो इंडियन ऐसे सुना होगा आपने, जो इंग्लिश कल्चर को पसंद करते हैं, इंग्लिश मतलब अंग्रेजों के कल्चर को पसंद करते हैं, टेक्नोफाइल, आई होप कि सब रजिस्टर में लिखते जाना दोस्तों जल्दी याद हो जाएंगे, ऑडियोफाइल याद हो गया होगा, ये तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर यही ढूंढ रहे थे हम, ऑनियोफाइल मतलब वाइन कॉनोजियर, जो कॉनोजियर समझते हैं जो कला का पारखी होता है, जो बता सकता है वही, जैसे कई बार आपने देखा होगा उस पर नाम याद नहीं आएगा, जो छोटे छोटे रील्स चलते हैं टिकटॉक चलते हैं उसमें तीन ब्रांड दिखाते हैं एक आदमी के सामने, आप बताइए इसमें से ये कौन सा, ये कौन सा, मतलब जो एक तरह से हिंदी में कहें तो कला का पारखी, तो कोनोजियर जो है वो कला का पारखी मतलब वाइन कोनोजियर, जो बता सकता है अब मैं पीता नहीं मुझे आइडिया नहीं है कि ये नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे तो, 8 PM है, नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहे मुझे, या ब्लैक डॉग है, चलिए दो ही नाम बहुत है ठीक है दोस्तों। चलिए और इसके बाद ये बड़ा खतरनाक वर्ड था लवर ऑफ ग्रीक कल्चर फ्लेहलैंड, ये बड़ा खतरनाक था। चलिए और बायोफाइल तो पता ही समझ गया आपका, बायोलॉजी वाला वर्ड है दोस्तों। उसके बाद जूफाइल दोस्तों आपका हु लव्स एनिमल्स, फोटोफाइल फोटो प्रेमी, आजकल हमारे सभी लोग हैं
सभी सारा दिन सेल्फी लेते रहते हैं। फिलैटलिस्ट जो डाक टिकट प्रेमी है, अच्छा बहुत से लोग डाक टिकट इकट्ठी भी करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में संडे वाले दिन अगर आप चोर बाजार जाएं तो वहां पर आपको लोग बेचते हुए मिलेंगे। चले चोकोफाइल, भाई चॉकलेट पसंद होती है बहुत से लोगों को। हाइड्रोफाइल, हाइड्रो तो पता ही आपको, और निम्फोफाइल, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है निम्फ। अ पर्सन हु इज अट्रैक्टेड टू यंग और यूथफुल ब्यूटी, चले मतलब बेसिक है तो आशिक, आशिक हवारा के। चलिए तो दोस्तों ये हैं कुछ आपके लिए वर्ड जो आई होप कि आपको हेल्प करेंगे समझने में दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या आता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। अब वो क्या कहने की कोशिश करता है, वो हमें यहां कहने की कोशिश करता है द यूबीक्यूटियस पनीर। मतलब पनीर तो भाई हर जगह होता है, यूबीक्यूटियस पनीर तो हर जगह होता है। वो कहते हैं कि ये इंक्लूड करता है साल्ट क्योर्ड, मतलब इसमें कई ऐसे पनीर होते हैं जिसमें साल्ट होता है, स्मोक्ड होता है, स्मोक्ड बैंडल चीज, भाई ये खतरनाक वर्ड आ गया, स्मोक बैंडल चीज, अब इसको भी हम डिस्कस करें। और डेवलप अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द पुर्तगीज, जो पुर्तगीज जब इंडिया में शासन करने आए थे पहले वही लोग थे, तो उनकी एक छत्र छाया में जो एक बंगाल के अंदर कॉलोनी हुआ करती थी वहां पर उन्होंने उसके मतलब उसको बनवाया था दोस्तों, या उनकी छत्र छाया में वो बना था दोस्तों, हम ऐसे ही कह सकते। बनाने वाले तो इंडियन ही थे लेकिन वो उन्होंने बनवाया था तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दे दिया। चले और इसके बाद दूसरा वो कहने की कोशिश करता है छुरपी। वो कहता है कि एक याक चीज, याक समझते हैं ना जो हिमालय रीजन में एक जानवर मिलता है याक, तो वो कहते हैं एक उसके जो मिल्क प्रोडक्ट से बनाया जाता है छुरपी इन द हिमालयन रीजन फॉर द सेंचुरी, जो कई सालों से बनाया जा रहा है। और एक कलारी, ये भी बड़ा अच्छा शब्द है कलारी, एक हार्ड चीज मतलब एक मजबूत सख्त जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और दैट वाज मेड बाय नोमैडिक कम्युनिटीज। नोमैडिक कम्युनिटी समझते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहें, बंजारा कम्युनिटी, जो बंजारा कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है एज ए वे ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क। भाई वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो अपने साथ दूध तो कैरी नहीं कर सकते, इसलिए वो उस दूध का एक ही बार पनीर बना लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे भी होते हैं तो सभी के लिए वो एक जरूरत पूरी हो जाती है दोस्तों। चले अब कुछ अपनी वोकैब उसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला वर्ड आया यूबीक्यूटियस, तो वो कहते हैं जो हर जगह अवेलेबल है सेम टाइम पर, वैसे भगवान के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाता है छुरपी। अब वो कहते हैं ट्रेडिशनल चीज कंज्यूम्ड इन भूटान एंड नेपाल, जो ज्यादातर भूटान नेपाल या हिमालय जो रीजन है वहां पर आपको नजर आएगा। और इसके बाद जो वर्ड आता है नोमैडिक कम्युनिटी, जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा दोस्तों, कौन सा वो जो बंजारा वाला जो कंसेप्ट था ना उनके लिए, जो हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेदर देन सेटलिंग परमानेंटली इन वन लोकेशन। और एक वर्ड जो अभी डिस्कस कर रहे थे हम बैंडल चीज दोस्तों, इसको देखते हैं। वो कहते हैं है तो ये एशियन चीज, ये अच्छा नाम दिया उसने, दैट ओरिजिनेटेड इन द अर्स्टवाइल पोर्तुगीज कॉलोनी। अब वो पोर्तुगीज कॉलोनी बैंडल में बनाया गया था ईस्टर्न इंडिया के अंदर दोस्तों, इसलिए उसको बैंडल चीज कहा गया। जो कॉलोनी थी ना उसका नाम भी बैंडल था या बैंडेल था, आप किसी भी ढंग से उसको प्रनाउंस कर सकते हैं दोस्तों। चले दोस्तों तो ये था हमारा एक छोटा सा पैसेज जो आज हमारे न्यूज़पेपर में था दोस्तों। देखते हैं कुछ आपके लिए आगे है, मुझे लगता है एक बार देख लेते हैं, या मजा आ गया दोस्तों। चले दोस्तों अब आपके पास चार ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि पीच पे थोड़ा सा एक्साइट हो जाता हूँ, वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा है, एक ही वर्ड गायब हो रहा है कुजीन। चले जब आप पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ, चले थोड़ा साइड हो जाता हूँ। चले अब वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एक कल एक मैसेज था हमारे एक अच्छे स्टूडेंट का, उसने कहा कि सर आप डिस्कस भी करिए, मैंने कहा चलिए बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द ट्रेडिशनल परसेप्शन ऑफ चीज
among Indians mentioned in the passage. अब वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि traditional रीति रिवाज perception या विचारधारा क्या थी? मैं आंसर नहीं दूंगा, आंसर तो आप ही को देना है। चलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आंसर देते जब मैं इनका आंसर दूंगा तब मैं डिस्कस करूँ, अभी मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। आप ये भी चेक करें कि आप कर पाए या नहीं कर पाए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। ये लास्ट वाला वर्ड आप दोबारा देख रहे हैं, बंगाली कुजीन दोस्तों। चलिए अब वो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, वो कहता है कि ट्रेडिशनल परसेप्शन, परसेप्शन समझिए दोस्तों, विचारधारा, विचारधारा क्या थी चीज की जब इंडियन इंडियन मेंशन इन द पैसेज, जब इंडियन के बारे में बताया गया तो उस समय क्या विचारधारा थी? प्राइमरी इंग्रेडिएंट था इंडियन डेजर्ट्स के अंदर, मतलब इंडियन डेजर्ट समझे ना, मिठाइयों के अंदर, एन इफेक्टिव स्नैक फॉर पार्टीज, डायट्री सप्लीमेंट, स्टेपल इन एवरीडे इंडियन कुकिंग, मतलब रोज यूज होने वाला भोजन। तो हम देखें तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पर भी हमने उसको सप्लीमेंट की बात करी हो। हम स्टेपल भी नहीं कह सकते कि वो एक्स्ट्रा ऐड होने वाला प्रोडक्ट था। हम मिठाई में तो हमने कभी खाया ही नहीं था, तो हमारे लिए वो सिर्फ यही था कि एक पार्टीज में एक स्नैक वो दिखाया था ना, स्टार्टिंग में बताया था कि टूथपिक में लगा के वो चीज दी जाती थी, पाइनएप्पल दिया जाता था। चलिए तो हमारा आंसर डन हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज ऑल्फैक्टरी चीज बर्नोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फॉर। वो कहता है कि ये जो चीज है ये किस चीज के लिए पहचाना जाता है? फर्स्ट, ट्रेडिशनल इंडियन चीज मेकिंग टेक्निक्स, पुरानी जो इंडियन चीज मेकिंग टेक्निक्स भाई हमारी तो थी ही नहीं पहले। सेकंड, विनिंग फर्स्ट प्लेस एट एन इंडियन चीज फेस्टिवल, हमें पढ़ लिया है कि भाई ये फर्स्ट नहीं था, ये तो फोर्थ था, तो ये तो गलत हो गया। बींग ए नॉर्वे स्टाइल वे चीज, हाँ ये हो सकता है क्योंकि ये बताया गया कि नॉर्वे स्टाइल का एक चीज है और पॉपुलर यूज इन पार्टी स्नैक्स, तो क्योंकि वो इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है तो ये पार्टी स्नैक में यूज नहीं होता था दोस्तों। चलिए तो हमारा आंसर हो गया सी दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई डज द पैसेज मेंशन, अच्छा आपको समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं भाई? आपने अभी पैसेज पढ़ा, आपको यही चेक करना था कि हमारी रिकॉलिंग पावर कितनी अच्छी है। इफ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू आंसर इट प्रॉपरली, इट मींस व्हाटएवर हैज बीन क्रैम्ड बाय अस, व्हाटएवर हैज बीन अंडरस्टूड बाय अस, वी आर एबल टू आंसर दैट। इट मींस कि हमारी स्पीड और हमारा जो आईक्यू लेवल है वो सही चल रहा है और यही सेशन आपको हेल्प करेगा दोस्तों। थोड़ा सा बिलीव करें दोस्तों, अभी मैंने क्वेश्चन थोड़े इजी रखे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम इंप्रूव करेंगे। चलिए, why does the passage mention, why does the passage mention the indigenous variety of cheese in India? भाई वो पैसेज में क्यों मेंशन करता है कि जो स्वदेशी वैरायटीज हैं इंडिया की चीज की, वो पहला ऑप्शन देता है, टू एम्फसाइज द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन चीज इन इंडिया। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता भाई, एम्फसाइज तो कर नहीं रहे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये तो बिल्कुल नहीं है, जो भाई पुर्तगाल वाले आए थे उन्होंने कॉलोनाइज ही किया था इंडिया को, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट तो था नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों। टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन चीज, ये हो सकता है भाई, इंडियन एग्जाम्पल, इंडियन के जो पुराने चीज थे उसका एग्जाम्पल देने के लिए। और टू कंट्रास्ट विद द पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोसेस चीज, हम कोई मुकाबला तो कर नहीं रहे थे प्रोसेस चीज के साथ, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाया दोस्तों। तो आंसर हो गया सी हमारा। नेक्स्ट, What purpose did कलारी, याद है ना कलारी नाम का जो चीज पढ़ा था हमने, a cheese found in जम्मू एंड कश्मीर, सर्व अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो क्या सर्व करता है, उसका पर्पज क्या है दोस्तों? पहला कहता है वो a snack for nomadic communities, ये तो यार काफी सही लग रहा है। अब
सर्व क्या करता है, अ प्रिजर्वेशन मेथड फॉर मिल्क, अ सेरेमोनियल चीज और अ की इंग्रेडिएंट्स इन बंगाल बंगाली कुजीन। तो डी तो बिल्कुल गलत है, अ सेरेमोनियल चीज कहीं पर सेरेमनी हो रही है ये भी नहीं बताएगा दोस्तों। अ प्रिजर्वेशन मेथड फॉर मिल्क, ऑब्वियसली कलारी वही चीज इसलिए यूज किया जाता था क्योंकि वो नोमैडिक लोग इधर उधर घूमते थे और उनके पास दूध नहीं होता था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार चार में से चार आए होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या स्कोर रहा आपका। और ये आ गया आपका स्कोर, चलिए दोस्तों स्कोर चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चार में से चार आपका स्कोर आया होगा, अच्छा रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बी सी सी बी, चलिए डन है दोस्तों। आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। अब वो कहता है इट्स बीन अबाउट थ्री डिकेड सिंस इंडिया, वो कहता है कि तीन से ज्यादा दशक हो चुके हैं फाइनली हैविंग वाइड एक्सेस, जब हमें वाइड एक्सेस टू अफोर्डेबल चीज फाइनली आखिरकार। वो कहता है कि हमारे पास अब एक वाइड एक्सेस है उस अफोर्डेबल चीज की, चाहे वो इवन इफ का भले ही बहुत अच्छा एक कंजंक्शन है, चाहे वो प्रोसेस वराइटी का ही हो, फैल इन लव विद इट, भाई अब हम उसे प्यार हो गया। हमें तीन दशक लग गए, मतलब वो जो एक बिल्कुल बेसिक पनीर से आज हम उस जो एक अफोर्डेबल चीज है, जो एक वैरायटी वाला चीज है, वहां तक पहुंच गए हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड वाला ही है, लेकिन आज हमें उससे प्यार हो गया, तभी तो इंडियंस वहां फोर्थ रैंक पर आ गए दोस्तों। अच्छा 4000 मैंने पढ़ा था, 4000 टेस्ट हुए थे, मतलब टेस्ट हुए थे, उसमें हमारा फोर्थ रैंक आया दोस्तों। छोटी सी क्लैप बनती है, चले फॉर इंडियंस भारतीयों के लिए अनकस्टम, जो अभी अपरिचित हैं, टू द कॉम्प्लेक्स फ्लेवर, कॉम्प्लेक्स मतलब जो जटिल फ्लेवर्स होते हैं। अब वो किस किस के हैं, जैसे जटिल, अब मेरे फिल्म आई एम वेरी अफ्रेड टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स बिकॉज यू नो दीज आर नॉट यूज्ड इन आवर इंडियन कल्चर। रॉकफोर्ट, देखिए हो सकता है गलत भी हो सकता है, और मैनचेगो। अब वो कहता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर हैं हमारे जो भारतीय, इनसे अपरिचित हैं भाई। वो किस लिए हैं, क्योंकि एक तो उसमें साल्टीनेस भी हो सकती है, मतलब नमकीनपन, और क्रीमीनेस मतलब क्या बोले क्रीमपन ऑफ इंडियन प्रोसेस चीज हेल्प मेक ए नंबर ऑफ एवरीडे फूड आइटम्स। तो मतलब आज वो कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि इंडियन उन टेस्टों से तो अपरिचित हैं जिनमें सब कुछ होता है, लेकिन इंडियन प्रोसेस चीज जो है जिसने हमारी डेली आइटम जो है उसके अंदर बहुत सारी आइटमों में हेल्प करी है। जैसे हम डोसा खाते हैं, उत्तपम खाते हैं, कबाब खाते हैं, और पराठा, ये तो यार बड़ा फेवरेट है। अगर आप दिल्ली हरियाणा के पास रहते हो तो एक जगह है मूर्थन, तो वहां तो स्पेशली कई लोग दोस्तों पराठे खाने जाते हैं। अच्छा वो क्या करते हैं, पराठा देते हैं और एक बाउल में ना, मैं कोई प्रमोशन ही कर रहा हूँ, बस अपना व्यू बता रहा हूँ, वो बाउल के अंदर वाइट चीज देते हैं और आप जितना मर्जी खाएं दोस्तों। अच्छा ज्यादा प्रीर भी नहीं खाना चाहिए, कुछ हार्ट की आर्टरीज में प्रॉब्लम भी आ जाती है, बस मतलब मैं मुझे डॉक्टर भी नहीं हूँ, थोड़ा सा आइडिया मैंने पढ़ा था। चले लिमिटेड खाना चाहिए पर डे, चले। और अब वो क्या कहता है, रोकेफोर्ट क्या है, ये टीजर चला गया कोई बात नहीं। वो कहता है भाई ये एक फ्रेंच सफेद और ब्लू कलर का चीज है, इतना से याद रखो यार। और मैनचेगो क्या है, ये भाई वो कहता है स्पेनिश चीज है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो है ना, ये किससे बनते हैं, शीप से बनते हैं दोस्तों। और जो हम चीज खाते हैं ना, वो काऊ और ये बफलो के होते हैं, ज्यादातर तो बफलो के ही होते हैं दोस्तों, कुछ लोग उसे बुफेलो कह देते हैं, एक्चुअल में बफलो होता है। चलिए तो ये था दोस्तों हमारे पैसे, यहाँ तक आई होप कि यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, पहले इसको इरेज कर देते हैं, चलिए डन है। आगे आ जाते हैं दोस्तों, अब वो क्या कहते हैं, अब वो भाई आपके लिए एक मतलब पैरा जंबल आ गया, तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पैरा जंबल कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई, सबसे पहले क्या करना है, ये इसके अलग से हम सेशन भी लेंगे, कि अलग से हम सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर के साथ साथ हम एक सेशन और लेंगे जिसमें हम पैरा जंबल्स कवर करेंगे, एक दिन क्लोज टेस्ट करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, एरर्स का इंडिविजुअल करेंगे। आज जो फोकस है ना दोस्तों, वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पर, मैं उसी में से मिक्स करके दे रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढो, दूसरा काम क्या करना है आपको भाई, नाउन और प्रनाउन, जैसे राम है उसके बाद ही है, सीता है उसके बाद शी है, इस तरह के पेयर बनाने की कोशिश करो। तीसरा जो है वो कहता है लिंकिंग पे काम करो, क्लियर।
और फोर्थ बहुत अच्छा है, वो कहते हैं कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं राम और रावण की बात कर रहा हूं, तो पहले राम वाले सेंटेंस कंप्लीट करो, फिर आप रावणा वाले सेंटेंस कंप्लीट करो दोस्तों। तो दो सब्जेक्ट है तो पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, देन मूव टू सेकंड। ये उसने मैंने आपको चार तरीके बताए, और भी तरीके हैं, हम जो आज के पैसेज में थे मैंने उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सी हेल्प करी दोस्तों। बाकी जब हम इसकी प्रॉपर क्लासेज लेंगे तब हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोस्तों पढ़ने का पर्पज तभी होना चाहिए जब हम एग्जाम क्रैक कर सकें भाई, एक्चुअली तो नौकरी जॉब चाहिए ना। तो इसलिए ज्ञान उतना लीजिए जितनी जरूरत है, उतने ही ज्ञान पे फोकस करिए, क्योंकि ज्यादा ज्ञान आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उतने ही कंसेप्ट देने की जरूरत फील करता हूँ, क्योंकि लास्ट 15 सालों से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उतना ही दिया जाए जितने की जरूरत है दोस्तों। टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, ये मोटिवेशन बाद में होता रहेगा। चलिए ये आ गया दोस्तों आपका पैसेज भाई, चार आपके पास ए बी सी डी चार सेंटेंस आ गए हैं। अब आपको इसमें ढूंढना है, पहले आप ढूंढेंगे तो अच्छी बात है, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मजा तभी आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कोशिश जरूर करिएगा, मैं हिंदी भी नहीं बोलना चाहता हूँ, उससे क्या होगा कि आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। पहले मैं अपनी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे ले रहा था, उसमें क्या होता था कि सामने खड़े होने के बाद आधा पैसे छुप जाता था, डिस्कस नहीं हो पाता था, और बच्चे को टीचर नजर ना आए तो उसकी अटेंशन वीक हो जाती है, तो मुझे लगा कि यार ये बेटर रहेगा। चलिए चलिए दोस्तों आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो आपको मैं आपका आंसर दिखा देता हूँ भाई, जिससे आप ये ना कहें कि सर हम पास हुए या फेल हुए, क्योंकि मन में मुझे मालूम है फीलिंग तो यही आ रही है कि सर पहले आंसर दिखा दो हमें, ताकि हमें पता चल जाए, फिर डिस्कस करते रहना आप। चलिए तो गाइज रेडी हैं भाई, अपनी कॉपी में लिख लेना, ऐसे नहीं मजा आएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे, मन में मत सोचना, मन में मन चेंज हो जाता है। डन गाइस, चलिए चलिए बिल्कुल देखिएगा बी डी ए सी, क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा है या नहीं सोचा है, अब कितने लोग पास हुए हैं ये जरूर कमेंट में डालिएगा दोस्तों। अच्छा बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, अरे करिए, स्टूडेंट हैं, लर्निंग फेस चल रहा है, इंप्रूव करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हुआ, अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। अगर आपका आंसर सही है तो अब देखिए लॉजिक आपने सही लगाया था या नहीं लगाया था, मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ आपको समझाने के लिए भाई। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर, उसने इंडियाज इंडिजीनियस वेराइटीज लिखा, ठीक है दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद इंडिया का लव लिखा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, फिर अभी हम मेन मेन चीज उठा रहे हैं, फिर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स ऑफ यूरोपियन चीज लिखा दोस्तों उसने, फिर अनअकस्टम टू द फ्लेवर्स ऑफ रॉकफोर्ट और मैंचेगो इंडियंस एम्ब्रेस्ड द साल्टीनेस। तो अगर हम देखें इसमें सबसे पहले हमने किया क्या दोस्तों, अगर हम सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो पहला काम हमने क्या किया दोस्तों, वो समझने की कोशिश करते हैं भाई। सबसे पहले एक तो अगर हम ए में देखें, तो अगर हम ए को देखें तो उसने यहां पर हमें बात करी है वेराइटीज की दोस्तों, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहां उसने वेराइटीज की बात करी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
यहां पर उसने क्या बात करी है, लव अफेयर की बात करी है। तीसरे में उसने क्या बात करी है, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर ऑफ यूरोपियन चीज की बात करी है, ध्यान से देखिएगा। और फोर्थ में जो बात करी है उसने, वो ये जो दो हमारे जो आपको याद है ना, जो शीप वाले चीज है, उनकी बात करी, मैनचेगो और रॉकेफोर्ट। ओके, और इसमें बात करी है, इंडियंस एम्ब्रेस्ड द साल्टिनेस एंड क्रीमिनेस। अब ये हमारे पास एक छोटा सा पैसेज था, अब इसको हम कैसे पढ़े, कैसे हम उसको सॉल्व करें, ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब हमें सबसे पहले क्या ढूंढना होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले ढूंढना होता है, जो मैंने भी आपको पहले भी डिस्कस करा था, कि सबसे पहले हमें काम करना होता है कि हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढे। अब इंडिपेंडेंट कौन सा, मेन सीम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन इंडिजिनियस वेराइटीज, ये वेराइटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और विद द डोमेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन चीज की, मतलब ये डोमेस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन चीज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहां पर बात की गई इंडिया के लव विद अफेयर विद चीज, यहां पर दिखाया गया कि इंडिया का प्रेम है चीज का, तो यहां पर चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो, क्लियर। और वहां पर वेराइटीज की बात की गई है, और वेराइटीज किसकी, चीज की, और यहां प्रेम दिखाया गया, क्लियर। तीसरे में देखते हैं, अब कॉम्प्लेक्स फ्लेवर ऑफ यूरोपियन चीज की बात की गई है, यही शब्द को ध्यान से देखिए दोस्तों। फोर्थ में क्या बात की गई है, इंडियंस एम्ब्रेस अ साल्टीनेस ऑफ क्रीमिनेस ऑफ प्रोसेस चीज। अब पहले बात करते हैं हम इंडिया के अफेयर, मतलब अफेयर मतलब जो उनका प्रेम है चीज के लिए, भाई कई सालों से हम खा ही रहे हैं, चलिए। अब वो यहां कहते हैं, सबसे पहले तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। अब आप कहेंगे सर आप डी पे क्यों जा रहे हो, ए पे क्यों नहीं जा रहे, यस बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए दोस्तों। अब मैं यहां पर आप बात करूं दोस्तों, तो यहां पर अभी जो बात हुई है वो किसकी हुई है, यहां पर हो सकता है भाई ए भी काफी हद तक मतलब हमें अट्रैक्ट करता है, अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचता हूं। सो द मेन स्ट्रीम एप्रिसिएशन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस वेराइटीज इज एविडेंट स्पेशली विद द डोमेस्टिक डेवलपमेंट। वो कहता है कि जो इंडिया के जो वेराइटीज है उनका जो तारीफ है वो अब सबूत है, क्योंकि हमें फोर्थ रैंक मिला है यूरोपियन चीज के साथ, इंडियन ट्विस्ट को अगर मिक्स कर दे तो कई प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्लियर, जैसे वो अभी आगे प्रोडक्ट बताएगा हमें। अब हम डी की तरफ क्यों जा रहे हैं वो समझते हैं। अब अनअकस्टम टू द, हमें ये दो फ्लेवर नहीं मालूम है, रोकेफोर्ट और मैचिको, ठीक है दोस्तों। हम यूरोपियन चीज लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स ऑफ हैव फाउंड ए प्लेस इन इंडियन, लेकिन ये कौन से फ्लेवर, अब आप देखें यहां पर, ये मैंने इसे येलो कलर लिया ये ताकि आपको कलर में प्रॉब्लम ना आए। भाई आपको कॉम्प्लेक्स फ्लेवर कौन से हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स फ्लेवर है, क्लियर हुआ, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सी बाद में आना चाहिए दोस्तों, इसका मतलब मुझे डी जो ऑप्शन है वो पहले लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्लेवर तो यही है दोस्तों, क्लियर। अब आते हैं कि हम फिर बी के बाद, तो भाई हमारा फिर तो हमारा सी सॉरी ए हो जाना चाहिए, बी के बाद ए हो जाना चाहिए, चलिए अब उसको देखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, एक लास्ट टाइम पढ़िएगा इसके अंदर, एलिवेटिंग एवरीडे डिशेज टू ए स्पेशल स्टेटस। वो कहता है कि एलिवेटिंग जो इंडिया का जो प्रोसेस चीज है, जो एम्ब्रेस करता है इन दो चीजों को, प्रोसेस चीज को जिसमें क्रीमिनेस भी होती है साल्टीनेस भी होती है, ये उठाता है हमारे एवरीडे डिशेज टू ए स्पेशल स्टेटस को, जिसमें हम कई चीजों के साथ उसको खा सकते हैं। अब वो यहां पर डी में ए में क्या कहता है उसको समझते हैं, द मेन स्ट्रीम एप्रिसिएशन। अब यहां देखिए उसने एप्रिसिएशन की बात करी है, अब स्टेटस उठेगा तभी तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, बी, उसके बाद डी, अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो दोस्तों दो बार इसको ऑडियो आगे पीछे करके सुनना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ए और उसके बाद सी दोस्तों। ये था दोस्तों आपका आंसर, आई होप कि स्कोर सही आया होगा, चलिए। और चीज की बधाई तो आज चली रही है दोस्तों, उसके तो कोई इशू ही नहीं है, चीज ही चीज खाएं, आज रात को भी पनीर टिक्का, पनीर क्या पालक पनीर, चलिए दोस्तों ये था आंसर आपको, चलिए आगे चलते हैं, अरे ये तो और हो गया, चलिए। तो दोस्तों ये था आज आपका पैसेज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपने आज अटेम्प्ट भी किए होंगे, अच्छा आंसर भी आया होगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद। अच्छा, वो लास्ट में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, सीईटी एक ऐप है दोस्तों प्ले स्टोर पे हमारा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें एक सेशन है वो क्या करेगा, इसे जरूर डाउनलोड करिए और हो सके तो बाय करिए। सिर्फ 21 रुपीज़ का है दोस्तों। इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर वोकैब एंड इट विल हैव 1 ईयर वैलिडिटी। मोर देन 500+ वीडियोज ऑफ वोकैबलरी विल बी गिवन टू यू। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।